प्रयागराज में यमुना नदी के किनारे मंकामेश्वर मंदिर स्थित है, जहां पर भगवान शिव अपने विविध रूपों में विराजमान हैं। मान्यता है कि मंकामेश्वर मंदिर पर मन से मांगी गई सभी मुराद पूरी होती है। स्कंद पुराण और प्रयाग महत्व के अनुसार अक्षेवट के पश्चिम में पिशाच मोचन मंदिर के पास यमुना के किनारे भगवान मंकामेश्वर का तीर्थ है, जिन्हें शिव का पर्याय माना जाता है। देखिए, दर्शन करने से पहले लग रहा था कि बहुत जल्दी हम पहुंचे बस, लेकिन जब दर्शन किया था एकदम बहुत अच्छा लगा है कि बस थोड़ी से कुछ सेकंड के दर्शन थे, लेकिन इतना खुशी हुआ मन को, एकदम राहत मिली। मनोकामना पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही मनोकामना भी होगी, धीरे धीरे करके भगवान की जाप करके ओम नमः शिवाय बोलते बोलते हमारे दर्शन भी हो गए और बहुत सुकून सा मिल रहा है। ऐसा लग रहा है बस सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। धार्मिक मान्यता है कि जहां शिव होते हैं वहां कामेश्वरी होती है, अर्थात पार्वती का भी वास होता है, इसलिए यहां भैरव, यक्ष, किन्नर आदि भी विराजमान हैं। कामेश्वर और कामेश्वरी का तीर्थ होने के साथ ही श्री विद्या की तांत्रिक साधना की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि यहां दर्शन, पूजन, जलाभिषेक करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। साल भर यहां पर शिव के दर्शन पूजन को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। मंकामेश्वर मंदिर के परिसर में ऋण मुक्तेश्वर और सिद्धेश्वर महादेव का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। यहां हनुमान जी महाराज दक्षिणमुखी होकर विराजमान हैं। आप जिस स्थान पर हैं, ये श्री मंकामेश्वर महादेव मंदिर है और ये प्राचीन सिद्ध स्थान है। भगवान राम भी जब संगम क्षेत्र में आए थे तो यहाँ जलाभिषेक किए थे, तभी से भगवान मनोकामेश्वर का जो भी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा से जलाभिषेक करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ तक शिवरात्रि का सवाल है तो भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह से यह प्रसंग जुड़ा हुआ है, और जो भी शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करते हैं और रात्रि में भी चार पहर के जो अभिषेक होते हैं, जो भी मनोकामना होती है जिस भी श्रद्धालु की, वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है।